हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। शाश्वत एंड शिव आर इक्वल पार्टनर्स, इक्वल है। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर, इक्वल मतलब इनका रेशो हो जाएगा 1:1, मतलब कि 1/2 और 1/2। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटी साइड, शाश्वत कैपिटल अकाउंट ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। क्रेडिटर्स ये हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये जाएगा, इसका अलग से अकाउंट ओपन होगा, ये भी जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड। एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, ये सारी चीज़ें जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। एंड कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। सेफ्स कैपिटल, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर्स वर डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज, स्टॉक 3500, फर्नीचर 2000, डेटर्स 5000 एंड मशीनरी 7000। द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेट अमाउंटेड टू 1500, मतलब ये 1500 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 1500। शाश्वत प्राइवेट स्टेट इज इन नॉट सफिशेंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट्स, मतलब शाश्वत के पास से कुछ रिकवरी नहीं हुआ। वेयर एज इन शिव्स प्राइवेट स्टेट देयर इज अ सरप्लस ऑफ ₹500, तो शिव्स के प्राइवेट स्टेट से 500 रिसीव हुआ। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फॉर्म। अब हम इस सम को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मेट हमने ऑलरेडी बना लिया है। इन द बुक्स ऑफ शाश्वत एंड शिव रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स इनर अमाउंट आउटर अमाउंट एस पर्टिकुलर्स इनर अमाउंट आउटर अमाउंट फॉर्मेट हमने बना लिया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आता है ट्रांसफ़र स्टेज। तो ट्रांसफ़र स्टेज में हम क्या करेंगे, जितने भी एसेट्स हैं सब हम रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे टू सेंड्री एसेट्स अकाउंट, टू सेंड्री एसेट्स अकाउंट। सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 14,750। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर 4000 है। डेटर्स, डेटर्स 5000 है। स्टॉक 6,250 रुपीज़। तो ये सारे एसेट्स हैं, इन सारे एसेट्स को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 14,750 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 6,250, इसका टोटल आ गया आउटर में 30,000। अब नेक्स्ट है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक बैंक अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000
नेक्स्ट है सिव्स कैपिटल अकाउंट, सिव्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, एसेट साइड कंप्लीट हुआ। लायबिलिटी साइड में शाश्वत कैपिटल, शाश्वत कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन शाश्वत 6,000। और क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। क्रेडिटर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। हमारा ट्रांसफर स्टेज कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड स्टेज है रियलाइजेशन स्टेज। तो हमने एसेट्स रियलाइज किया, एसेट्स रियलाइज किया तो उसका जर्नल एंट्री बनेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए यहाँ पे आएगा बाय कैश बैंक अकाउंट। क्या क्या रियलाइज किया, स्टॉक रियलाइज किया 3,500 में, फर्नीचर, फर्नीचर 2,000, डेटर्स 5,000 एंड मशीनरी 7,000। ये हमने सारे एसेट्स को रियलाइज किया, इसका टोटल आउटर में आएगा, आउटर में आ जाएगा 17,500। पहला एंट्री हुआ कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, इसलिए बैंक अकाउंट में जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट 17,500, ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स सोल्ड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेट अमाउंटेड टू 1,500। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, पेड करेंगे। तो जब हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेड करेंगे तो जर्नल एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, तो यहाँ आएगा टू कैश बैंक अकाउंट, किसके लिए है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, कितना पेड किया 1,500। ये हमारा फर्स्ट एंट्री हुआ। दूसरा जाएगा बैंक में तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,500, ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि शाश्वत के पास से किसी भी तरह का रिकवरी नहीं हो पाया, बट शिव के पास से 500 का सरप्लस मिला। तो जब इंसॉल्वेंट पार्टनर से पैसा मिलता है तो उसका जर्नल एंट्री जाता है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश बैंक अकाउंट, किससे मिला है शिव से, तो शिव के कॉलम में लिखेंगे 500। तो बाय कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, शिव्स कैपिटल अकाउंट
500, ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई। अब हम टैली करेंगे। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 30,000 प्लस 1,500, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 31,500। यहाँ पे भी लिखेंगे हम 31,500। 31,500 में से 17,500 माइनस करेंगे, डिफरेंस आएगा 14,000 का। तो इस 14,000 को हम बोलेंगे लॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर। तो ये है ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर में से डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहला है शाश्वत, यहाँ लिखेंगे शाश्वत और शिव। तो शाश्वत एंड शिव में ये 14,000 का लॉस दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज रेशो इक्वली दिया है, 1:1 दिया है, मतलब 1/2, 1/2। तो 14,000 का हाफ होगा 7,000, इसलिए 7,000 इसको जाएगा, 7,000 इसको जाएगा। अब ये लॉस 7,000 ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो हम यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000 एंड 7,000, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। ये हो गया। अब हम इसको क्लोज करेंगे, ट्वेल्व थाउजेंड एंड 7,000 हो जाएगा 19,000। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 19,000 में से 500 माइनस करेंगे, तो डिफरेंस आएगा 18,500 का। 19,000 में से 500 माइनस करेंगे, डिफरेंस आएगा 18,500। तो इस 18,500 को हम बोलेंगे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, सीएनसी अकाउंट। अब ये 7,000, यहाँ पे भी आएगा 7,000, 7,000 में से ये 6,000 माइनस करेंगे, तो डिफरेंस आएगा 1,000 का। तो इस 1,000 को भी हम बोलेंगे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, 1,000 शाश्वत का एंड 18,500 शिव का डेफिशिएंसी आया। अब ये डेफिशिएंसी अमाउंट ट्रांसफ़र होगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो अब हम डेफिशिएंसी अकाउंट में यहाँ लिखेंगे टू शाश्वत कैपिटल अकाउंट, शाश्वत कैपिटल अकाउंट 1,000 एंड टू शिव्स कैपिटल अकाउंट 18,500। अब बैंक को क्लोज करेंगे। रफली बैंक का टोटल कितना है, 17,500 प्लस 500 हो जाएगा 18,000, 18 प्लस 3 21,000, यहाँ पे भी आएगा 21,000। 21,000 में से 1,500 माइनस करेंगे, 21,000 माइनस 1,500, डिफरेंस आया 19,500। तो मतलब हमारे पास अभी कैश कितना है, 19,500, और क्रेडिटर्स को कितना देना है,
39,000, मतलब कि हमारे पास कैश बैलेंस कम है। तो फिलहाल जितना हमारे पास है उतना हम पे करेंगे, 19,500 हमारे पास बैलेंस है, तो 19,500 हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे। तो क्रेडिटर को पे करना है 39,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना पे कर रहे हैं 19,500। अब इसको टैली करेंगे हम, 39,000 में से 19,500 माइनस करेंगे, डिफरेंस आएगा 19,500 का। तो इस 19,500 को हम बोलेंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। और इस 19,500 को हम क्या करेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे 19,500। अब 18,500 और प्लस 1,000 हो जाएगा 19,500, यहाँ पे भी आ गया 19,500, मतलब ये क्लोज हो गया, डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो 19,500 ये आया था डिफरेंस, अब इसको हम बोलेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे 19,500। 19,500 प्लस 1,500 हो गया 21,000। तो इन दिस वे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।